11 और इसमें संख्याएं चल रही हैं। आगे थी संख्या 702059, इसको लिखेंगे 7,02,059। इसी प्रकार से 270915 इसको लिखेंगे 27,09,169। फिर है नेक्स्ट संख्या 9901739, इसको लिखेंगे 99,01,739। इसी प्रकार नेक्स्ट है 9799099, इसको लिखेंगे 97,99,099। फिर है 5932269, इसको लिखेंगे 59,32,269। फिर है 8901079, इसको लिखेंगे 89,01,079। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 1500013, इसको लिखेंगे 15,13,000। अब है संख्या का मान, वैल्यू निर्धारण। किसी भी संख्या का मान उन संख्याओं में आए सभी अंकों के स्थानीय मान का योग। किसी संख्या के मान के निर्धारण को समझने के लिए हमें उस संख्या में आए अंकों को स्थानीय मान पैलेस वैल्यू तथा जातीय मान यानी फैस वैल्यू की इस अवधारणा को समझना होगा। संख्या में अंकों का स्थान है। अंकों के स्थानों को वर्णित करने के लिए हम संख्याओं को दो वर्गों में बांट सकते हैं, पूर्णांक तथा दशमलव संख्याएं। पूर्णांकों को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार, दस हजार, दस लाख और करोड़ आदि स्थान लेते हैं। इन स्थानों की तालिका बनाकर के हम किसी भी पूर्णांक को सुविधापूर्वक लिख कर वह पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, जैसे 7828786 19 और दूसरी है 5294308। तो इसको लिखेंगे जैसे 7,10,00,000 और 8,10,000 और 8,000 और 6,000 और दाई और इकाई। इस तरह से मतलब दिखाना है कि 7 तो हो गई करोड़ की संख्या, 2 हो गई 10,00,000 की और 8 हो गई लाख में संख्या और 10,000 में 7,000 सात की संख्या, 7 और 8,000 की संख्या हो गई 10,000 में, और फिर सैकड़ा की संख्या 6 और दहाई की संख्या 1 और इकाई की संख्या 9। इस तरह से इनको लिखा जाएगा। दूसरा है 5294308, तो 10,00,000 में आएगा ये संख्या। तो 5 तो हो गया 5 में 10,00,000 और 5 और 2 हो गया लाख में और 1,000 में 10,000 में हो गया 9, 1,000 में आ गया 4 और सैकड़ा में आ गया 3, दही में आ गया 0 और इकाई में आ गया 8। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। यहाँ शब्दों में लिखते समय 10,00,000 व 10,00,000 वाले अंकों से बनी हुई संख्या 1,07,00,000 में बोली जाएगी और इसी प्रकार से 10,000 या वह 1,000 वाली तथा दहाई व इकाई वाली संख्याएं एक साथ बोली जाएंगी। अतः दी गई संख्याएं क्रमशः हैं 7,28,78,629। इसी प्रकार से 52,94,308। उदाहरण दो, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखो, 5,12,03,090 और दूसरी है 1,17,805। तो इसको लिखेंगे 5 करोड़, फिर 1,00,000 और फिर 1 को लिखेंगे 10,00,000 में, 2 को लिखेंगे 2,00,000 में और 10,000 में 0 और 1,000 में 3, सैकड़ों में 0, दही में 9 और इकाई में 0। इसी प्रकार से दूसरी संख्या जो है 1,17,805, तो 1 को लिखेंगे करोड़ में और 10,00,000 में 0, लाख में भी 0, 10,000 में आएगा आपके 1 और 1,000 में आएगा 7 और सैकड़ा में आएगा 8 और दहाई में 0 और इकाई में 5। इस तरह से इस संख्या को किया जाएगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि एक पहला तो प्रश्न में 1,000 के स्थान पर 3,000 लिखा है, अतः इन अंकों में परिवर्तन के समय 10,000 के स्थान पर 0 आएगा और साथ ही 100 सैकड़े और में कोई शब्द नहीं है, अतः सैकड़ा के स्थान पर भी 0 ही आएगा। दूसरा प्रश्न कि तीसरा कि मैं लाख में कोई शब्द नहीं होने के कारण दोनों ही स्थानों पर 0 आएगा और साथ ही
800 के बाद में 5 लिखा है, अर्थात दाही के स्थान पर शून्य आएगा। दशमलव संख्याओं के दो भाग होते हैं, पहला तो दशमलव के बाईं ओर और का पूर्णांक भाग तथा दूसरा दशमलव के दाईं ओर का दशमलव भाग। पूर्णांक भाग के स्थान पर पूर्ववत ही लिखे जाते हैं, और जबकि दशमलव भाग को लिखने के लिए हम दशमलव के बाद बाईं ओर से दाईं ओर क्रमशः 1/10 दसवां भाग, 1/100 सौवां भाग और 1/1000वां, 1/1000 यानी हजारवां भाग। तो 1/1000 यानी 10,000वां भाग, 1/10,000 यानी 10,000वां भाग, फिर 1/1 लाख यानी 1 लाखवां भाग आदि स्थान लेते हैं। अतः दशमलव की संख्याओं में स्थानों की तालिका निम्न प्रकार से होती है, जैसे प्रथम तो करोड़, फिर 10 लाख, फिर लाख, फिर 10,000, फिर हजार, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई, फिर दशमलव, फिर दसवां भाग, सौवां भाग, हजारवां भाग और 10,000वां भाग। और स्थानीय मान में आ जाएगा करोड़ में 1 करोड़, फिर 10 लाख, फिर 1 लाख, फिर लिखेंगे 10,000, फिर लिखेंगे 1,000, सैकड़ा में 100 और दहाई में 10, इकाई में 1। और इसी प्रकार से दशमलव में जो लिखेंगे उसको लिखेंगे 1/10, सौवां भाग में लिखेंगे 1/100, हजारवें भाग में लिखेंगे 1/1000 और दसवां हजार भाग को लिखेंगे 1/1000। तो 10,000, 1/10,000। और अंक का जातीय मान या फिर अंकित मान या फिर वास्तविक मान या शुद्ध मान, किसी भी संख्या में आए किसी भी अंक का जातीय मान या फिर वास्तविक मान वही अंक होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर स्थित हो। जैसे संख्या 7862 में अंक 7 का जातीय मान जो है 7 अंक, और 8 का जातीय मान 8 अंक, और 6 का जातीय मान 6 वह अंक, और 2 का जातीय मान 2 ही होगा। अंक का स्थानीय मान, अंक का स्थानीय मान अंक का जातीय मान इंटू अंक का स्थान। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर ऐसे बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आदि स्थान लेते हैं। और किसी भी संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान बराबर इकाई का अंक ए इंटू एक होता है, और दहाई के अंक का स्थानीय मान बराबर हो गया दहाई का अंक इंटू 10 होता है। सैकड़े के अंक का स्थानीय मान बराबर होगा सैकड़ों का अंक इंटू 100वां होता है, और हजारवें स्थान के अंक का स्थानीय मान बराबर 1,000 अंक इंटू 1,000 आदि। नोट, किसी भी संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान एक अंकित मान सदैव समान होता है जो कि उसे अंक के बराबर होता है। दूसरा, किसी भी संख्या में शून्य का स्थानीय मान जो है एक अंकित मान या फिर जातीय मान सदैव शून्य ही होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे संख्या 70862 में अंक 7 का स्थानीय मान बराबर होगा 7 × 10,000 बराबर 70,000। इसी प्रकार अंक शून्य का स्थानीय मान होगा 0 × 1,000 बराबर 0। इसी प्रकार अंक 8 का स्थानीय मान बराबर हो गया 8 × 100 बराबर 800, एवं अंक 6 का स्थानीय मान बराबर हो गया 6 × 10 बराबर 60। इसी प्रकार से अंक 2 का स्थानीय मान 2 × 1 बराबर 2, और फिर अतः संख्या 70862 का मान हो गया 70,000 प्लस 800 प्लस 60 प्लस 2 यानी 70,862। उदाहरण के लिए उदाहरण तीन है, यदि x y दो अंकों की एक संख्या है जहाँ के x और y y अंक हैं, तो संख्या का मान ज्ञात करो। तो हल है संख्या x y का मान बराबर x इंटू 10 प्लस y इंटू 1 बराबर 10x प्लस y। इसी इसके लिए उदाहरण के लिए 4, यदि 5x ly 4 अंकों की एक संख्या है जहां x व y अंकों हैं, तो संख्या का मान ज्ञात करो। हल संख्या 5x ly का मान बराबर हो गया 5 × 1000 प्लस 100x प्लस 1 × 10 प्लस y इंटू 1 बराबर हो गया 5000 प्लस 100x प्लस 10xy बराबर 5010 प्लस 100x प्लस y। उदाहरण के लिए जैसे संख्या 1,205,707 को अंकों में लिखे एवं उनमें 2 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर बताइए। जैसे
दे रखा है इसमें 1200507 198998, और दूसरा दे रखी है संख्या 1205007 199998, और तीसरी संख्या है 1205007 198998, और चौथी संख्या दे रखे हैं 1205007 और 199998। तो इसमें जो उत्तर होगा वो दो है, कि पांच संख्याओं पांच संख्या 12,05,007 को अंकों में लिखने पे आ जाएगा एवं उसमें दो के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंक बताना है। तो इसमें ये था सही उत्तर 1205007, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 199998। हल है, तालिका बनाने पर जैसे 10 लाख में एक लिखेंगे, लाख के में दो, और 10,000 में शून्य, हजार में पाँच, सैकड़ा में शून्य, दहाई में शून्य और इकाई में सात, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो चूंकि प्रश्न में 10,000 का कोई अंक नहीं है, अतः 10,000 में स्थान पर शून्य आएगा तथा सैकड़ा एवं दहाई के स्थान पर भी कोई संख्या नहीं है, अतः वहां भी शून्य ही आएगा, अतः संख्या होगी 12,05,007। संख्या में दो का स्थानीय मान जो है 2 × 1,00,000 बराबर 2 लाख एवं दो का जातीय जातीय अंकीय मान बराबर हो गया दो, दोनों का अंतर हो गया 2,00,000 - 2 बराबर 1,99,998। तो उदाहरण के लिए जैसे संख्या 89,669 को अंकों में लिखें एवं 9 के दोनों अंकों के स्थानीय मान का अंतर बताएं। तो जैसे 89,669 और 89,091। दूसरा है 79,069 और 89,091, और फिर है 89,079 और 88,891। इसी प्रकार से 89,059,898,991। तो हल है, पहले तो तालिका बनाने पर हो जाएगा 10,000 में आएगा 8, हजार की संख्या में आएगा 9, सैकड़ा में संख्या में आएगा 0 और दहाई की संख्या में आएगा 6 और इकाई की संख्या में आएगा 9। तो चूंकि सैकड़े के स्थान पर कोई संख्या नहीं है, अतः शून्य आएगा, अतः संख्या होगी 89,069। 9 के दोनों के स्थानीय मान का अंतर इकाई के अंक 9 का स्थानीय मान बराबर 9x × 1 बराबर 9 एवं हजारवें स्थान के 9 का स्थानीय मान बराबर हो गया 9 × 1,000 बराबर 9,000। दोनों का अंतर हो गया 9,000 - 9 बराबर 8,991। उदाहरण के लिए चार संख्याओं जैसे 104391 व 4000 व 5 और 8410 और 701904 में चार के स्थानीय मान क्रमशः हैं। तो पहले तो 4,004, दूसरे का है 4,040,404 और फिर तीसरा 4,304,404 और चौथा 4,040,410-4। तो इसमें जो सही होगा वो 4,040,404, ये सही रहेगा चार का स्थानीय मान। फिर उदाहरण के लिए आठ, चार संख्याओं में 9,295 90315 एवं 39000 में 9 का स्थानीय मान सर्वाधिक किस संख्या में है? यहाँ दे रखिए 315, दूसरा 2905, तीसरा 39,000 और चौथा 9। तो इसमें जो पहली संख्या है 90315 उसमें सर्वाधिक संख्या में है 9 का स्थानीय मान। फिर हल है, जैसे 90315 में 9 का स्थानीय मान बराबर 9 इंटू
10,000 बराबर 90,000, 9 में 9 का स्थानीय मान बराबर हो गया 9। इसी प्रकार 2905 में बराबर 9 इंटू 100 बराबर 900 एवं 39,000 में 9 इंटू 1,000 बराबर 9,000। अतः सर्वाधिक मान 90,000 संख्या यानी 90,315 में है। दशमलव संख्याओं का मान निर्धारण तथा उनका विस्तारित रूप। दशमलव संख्याओं के मान निर्धारण का वही तरीका है जो कि पूर्णांक संख्याओं का है। अतः दशमलव संख्याओं का मान संख्या में आए सभी अंकों के स्थानीय मान का योग, स्थानीय मानों के योग के रूप में संख्या को लिखने पर प्राप्त रूप को दशमलव संख्याओं का विस्तरण है। इसका 9 संख्या इसमें 907.3105 का विस्तारित रूप लिखिए। हले तालिका बनाने पर होगा इसका स्थान सैकड़ा, दहाई, इकाई, फिर दशमलव, फिर दसवां भाग, सौवां भाग, हजारवां भाग और 10,000वां भाग। और इसी प्रकार से अंक का 9 × 100 सैकड़ा में आएगा ये, फिर दहाई में आएगा 10 × 0, इकाई में आएगा 7 × 1, फिर दशमलव का निशान लगा करके दसवां भाग में आएगा 3 × 1/10, फिर सौवें भाग में आएगा 1 × 1/100 और शून्य हजारवें भाग में आएगा 0 × 1/1000 और 10,000वां भाग जो है पाँचवें आएगा 5 × 1/10,000। स्थानीय मान हो जाएगा बराबर 900 और दाही में इसका शून्य और इकाई में बराबर 7 और फिर दसवां भाग में आएगा बराबर 3/10 और 1/100 और बराबर 0 और 5 बराबर हो गया 5/10,000। अतः 907.3105 का विस्तारित रूप हो गया बराबर 900 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 3/10 प्लस 1/100 प्लस 0 प्लस 5/10,000 या फिर 900 प्लस 7 प्लस 3/10 प्लस 1/100 प्लस 5/10,000 उत्तर। उदाहरण के लिए 10 निम्न विस्तारित रूप से संबंधित दशमलव संख्या को अंकों में शब्दों में लिखिए। 7,000 प्लस 50 प्लस 3 प्लस 4/100 प्लस 7/10,000 प्लस 1/1,00,000। हल तालिका बनाने पर हो जाएगा स्थान अंक हजार, दहाई, इकाई, फिर दशमलव, फिर सौवां भाग, 10,000वां भाग और लाखवां भाग। स्थान है अंक और जैसे 7,000, हजार में 7, दाही में 5, इकाई में 3, फिर दशमलव निशान लगा करके सौवां भाग में 4, 10,000वां भाग में 7 और 1,00,000वें भाग में 1। तो अंक में अंकों का हो जाएगा 7 × 1,000, 5 में हो जाएगा 5 × 10, इकाई में हो जाएगा आपका 3 × 1, फिर दशमलव का निशान, फिर 4/100वां भाग में 4/100, 10,000वें भाग में 7/10,000 और 1,00,000वें भाग में हो जाएगा 1/1,00,000। स्थानीय मान हो जाएगा 7 × 1,000 का बराबर 7,000 और दही का 5 × 10 बराबर 50 और इकाई 3 × 1 बराबर 3, दशमलव लगा हो जाएगा इसका। चूंकि यहाँ पर सैकड़े दसवें भाग में हजारवें भाग के स्थानीय मान नहीं है, अतः इन संख्या इन स्थानों पर शून्य आएगा। अतः दिए गए विस्तारित रूप से संबंधित संख्या है बराबर 7,053.04071 और 7,053 में दशमलव 04071। यहाँ एक स्मरणीय है कि दशमलव भाग को बाईं ओर से दाईं ओर आने वाले अंकों के रूप में ही बोला जाता है। पूर्णांकों की तुलना व उनका क्रम निर्धारण है। पूर्णांकों की तुलना के नियम जैसे ऋणात्मक संख्या सदैव ही शून्य व धनात्मक संख्या से छोटी होती है, दूसरा शून्य सदैव ही ऋणात्मक संख्या से बड़ा तथा धनात्मक संख्या से छोटा होता है, तीसरा धनात्मक संख्या सदैव शून्य व ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, फिर चौथा दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना के लिए सर्वप्रथम हम अंकों की गिनती करते हैं। जिस संख्या में ज़्यादा अंक होंगे वह बड़ी होगी,
और जहाँ यहाँ पर यह स्मरण रहे कि सबसे बाएं स्थान पर शून्य हो तो उसे अंकों की गिनती में शामिल नहीं करते हैं। जैसे 65,973 पांच अंकों की संख्या है तथा 07523 केवल चार अंकों की संख्या, क्योंकि इसमें शून्य सबसे बाएं स्थान पर है अतः इसे अंकों की गिनती में शामिल नहीं करेंगे। यदि संख्याओं में अंकों की संख्या समान हो तो हम सबसे बाएं स्थान से प्रारंभ कर अंकों की तुलना करते हैं। इस तुलना में जब हमें किसी स्थान पर विभिन्न संख्याओं में असमान अंक मिलते हैं तो बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होती है तथा छोटे अंक वाली संख्या छोटी। उदाहरण के लिए जैसे निम्न को आरोही क्रम में लिखें, जैसे 4270952, 4270095 और 82909। हल है यहाँ पर 4270952 में अंकों की संख्या बराबर 7 है और 4270095 में अंकों की संख्या बराबर 6 है और वह 82909 में अंकों की संख्या बराबर 5 है। अतः आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होगा 82909, 4270595, फिर 4270952, ये होगा आपका आरोही क्रम। इसी प्रकार से उदाहरण के लिए जैसे निम्न को अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम में लिखें, तो इसको लिखेंगे जैसे 7590-6271, 7590-3299 और फिर 7599-416। यहाँ पर जो है 7590-6271 में अंकों की संख्या बराबर 8 है और 7590-3999 में अंकों की संख्या 8 एवं 7599-416 में अंकों की संख्या 7। अतः 7599416 सबसे छोटी संख्या है। अब 7590-6271 वह 7590-3999 की बाईं ओर से तुलना करने पर प्रथम असमान अंक पांचवें स्थान पर 6 व 3 मिलते हैं, जिनमें 6 बड़ा है। अतः 7590-6271 बड़ी संख्या होगी, अतः अवरोही क्रम होगा 7590-6271, फिर होगा 7590-3999 और फिर होगा 7599416। उदाहरण के लिए जैसे 13वां, निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें संख्याएं दे रखी हैं 69809, 69810, 69901, 69799, 68999, 68991 और फिर 1,00,000। तो इसमें हल दिया है जैसे पहला है 68999 एवं 68991, दूसरा है 69901 और 68991, तीसरा दे रखा है 1,00,000 एवं 68991 और चौथा 68999 एवं 69810। हल है तीसरा कि यहाँ सिर्फ एक संख्या 1,06,000 अंकों की है, शेष सभी संख्याएं 5 अंकों की है, अतः सबसे बड़ी संख्या 1,00,000 होगी। शेष संख्याओं में अब हम सबसे बाएं से अंकों की तुलना करते हैं और दूसरे स्थान का अंक 4 संख्याओं में है, 9 है तथा 2 में 8 है। अतः 8 के अंक वाली दोनों ही संख्याएं छोटी होंगी और अब इन दोनों में अंकों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि बाएं से पांचवें अर्थात इकाई है और अंक दोनों में अलग अलग 9 एवं 1 है और यहाँ पर 9 बड़ा है। अतः इकाई के स्थान पर एक अंक वाली संख्या 68991 सबसे छोटी होगी। अतः इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 1,00,000 एवं सबसे छोटी संख्या 68991 होगी। उदाहरण के लिए 14, निम्नलिखित चार संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, जैसे 4203,
3567, ब है 4203675, स है 4203657 और द है 4203756। तो ये अ स द और ब, फिर अ ब स द, तीसरा अ स ब द और द है अ द ब और स। हल तीन है कि सभी संख्याएं 7 अंकों की हैं, अतः सभी में बाएं से अंकों की तुलना करेंगे और सबसे बाएं प्रथम 4 स्थानों पर चारों में समान अंक हैं और पांचवें स्थान पर इसमें क्रमशः 5, 6, 6, 7 अंक हैं, अतः 5 अंक सबसे छोटा है, अतः इस अंक वाली संख्या 4203577 सबसे छोटी संख्या होगी एवं अंक 7 सबसे बड़ा है, अतः इसकी संख्या जो है 4203756 सबसे बड़ी संख्या होगी। और इसके बाद में शेष दो संख्याओं में 4203675 एवं 4203657 में बाएं से छठे स्थान पर है अंक असमान 7 एवं 5 हैं, इसमें 7 बड़ा एवं 5 छोटा है, अतः इस इन दोनों में 7 वाली संख्या 4203675 बड़ी होगी तथा 5 वाली संख्या 4203657 छोटी होगी, अतः चारों संख्याओं का सही आरोही क्रम होगा। पहले ए आएगा 4203567, फिर आएगा 4203657, फिर आएगा 4203675, फिर दे आएगा 4203756। सही उत्तर हो जाएगा अ स ब द। दशमलव संख्याओं की तुलना में उनका क्रम निर्धारण, दशमलव संख्याओं के दो भाग होते हैं, एक प्रथम तो दशमलव के बाईं ओर का पूर्णांक भाग तथा दूसरा दशमलव के दाईं ओर का दशमलव भाग। सर्वप्रथम पूर्णांक भाग की तुलना पूर्णांक की तुलना में नियमों के अनुसार की जाती है, जिसका कि पूर्णांक भाग बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। यदि पूर्णांक भाग समान हो तो दशमलव भागों की तुलना की जाती है, दशमलव भागों की तुलना दशमलव के ठीक दाईं ओर से ही की जाती है। इस तुलना में जब हमें किसी समान स्थान पर असमान अंक मिलते हैं तो बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होती है, और यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि यदि दोनों संख्याओं के दशमलव भागों में अंकों की संख्या असमान है हो तो कम अंकों वाले दशमलव भाग में सबसे दाईं ओर शून्य लगा करके हम अंकों की संख्या समान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 15, निम्न दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें 7291.3751, फिर 7290.9978 और फिर है 7291.3741। हल है, सर्वप्रथम तो पूर्णांक भागों की तुलना करने पर स्पष्ट है कि 7290 सबसे छोटी संख्या है, जबकि बाकी दोनों में पूर्णांक भाग समान है। अब समान पूर्णांक वाली संख्याओं के दशमलव भागों की तुलना दशमलव के ठीक बाईं ओर से प्रारंभ करने पर प्रथम असमान अंक तीसरे स्थान पर 5 व 4 है, इसमें 5 बड़ा है, अतः 7291.3751 सबसे बड़ी संख्या होगी, अतः अवरोही क्रम होगा 7291.3751, फिर 7291.3741 और फिर 7290.9978। उदाहरण के लिए ये 16, निम्न दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए 1998.7.37108, फिर है 2998.737108, फिर है 1998.7.371। हाल ही पूर्णांक भागों की तुलना से स्पष्ट है कि 2998.737108 सबसे छोटी संख्या है होगी, क्योंकि यह 4 अंकों की है, जबकि शेष दोनों की 5 अंकों की है। अन्य दो संख्याओं के पूर्णांक भाग समान है, अतः दशमलव भागों की तुलना करनी होगी। प्रथम संख्या 1998.7.37108 में दशमलव के 5 स्थान है, जबकि द्वितीय संख्या 1998
87.371 में तीन स्थान ही हैं और प्रथम संख्या स्थान ही है, अतः द्वितीय संख्या को हम 5 दशमलव संख्या स्थानों तक निम्न प्रकार लिखेंगे 19987.37100। अब दशमलव के ठीक दाईं ओर से अंकों की तुलना करने पर प्रथम असमान अंक पांचवें स्थान पर आठवें जीरो मिलते हैं जिनमें 8 बड़ा है, अतः 19987.37108 सबसे बड़ी संख्या होगी, अतः आरोही क्रम होगा 2998.737108, फिर 1998 7.37